करेंगे तो 5100 तो वो कह रहे थे कि हम करेंगे, मैं कहता हूँ 5100 से भी काम नहीं चलता बुजुर्ग। आज दवाइयाँ कितनी महंगी है, ये कहते हैं हम फ्री में इलाज करते हैं। एक एमएलए को मेडिकल की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है, और मैं मेरे पैर के अंगूठे का इलाज करवाने के लिए गया एक हॉस्पिटल में, जहाँ लिखा हुआ था प्रधानमंत्री की फ़ोटो थी, मुख्यमंत्री की फ़ोटो थी, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड में है वो। उसको बुला देने अपने रमेश को, मैंने उसको पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा में सबसे सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ये उस पर हेडिंग था। और मैं जब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर को मैंने अपना पैर दिखाया, जब उसने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक दिन रखेंगे, अगले दिन सुबह जब मैंने बिल पूछा कितना है, 1,85,000 रुपये का बिल था मेरा। मैंने पूछा ये किस चीज़ के, बताओ तो सही मुझे, ऐसा कौन सा तुमने ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल आप देख लो। मैंने वो बिल लिया, बिल भरा वहाँ पे, और उसके साथ जहाँ वो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का फ़ोटो था, वहाँ से फ़ोटो खींची, स्पीकर के पास भेजी, मुख्यमंत्री के पास भेजी। मैं बोले ये हालत है तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाओं की, अगर एमएलए की जिसकी सारी सुविधा है उसको जिसको फ्री में दी हुई, उसका बिल इतने का है, आम साधारण आदमी का क्या हाल होगा। आम साधारण आदमी अगर कोई सिविल हॉस्पिटल में जाएगा तो अंगूठा कटवा बेचे, इलाज तो नहीं होगा आदमी।